तो मेरे ताऊ जी, कैसे हो तुम सभी लोग? बस कुछ ही दिनों और वेट कर लीजिए, 4 दिसंबर को OB47 का अपडेट आएगा, जिसके अंदर स्टोर में काफी नए नए बंडल से ऐड करे जाएंगे। काफी सारे आइटम को आप लोग गोल्ड से परचेस कर पाओगे और फेस पेंट की स्किन और स्कार्फ की स्किन भी ऐड करी जाने वाली है। पुष्पा 2 कोलैबोरेशन इवेंट का वेब इवेंट निकल के आ गया है। कम्प्लीट कैसे करना है, कैसे अपने को वॉल की स्किन मिलेगी और कैसे पुष्पा 2 का इमोट मिलेगा, क्रिमिनल बंडल रिटर्न को लेकर अपडेट्स मिल जाएगी। अपडेट्स देने वाला हूँ अपने बनी बंडल्स इवेंट को लेकर। हम सभी को फ्री में स्काफ की स्किन और फ्री में फिस्ट स्किन कब मिलेगी, इसको लेकर भी अपडेट्स दूंगा। टोटली मेरे भाई, आज ना बहुत मस्त मस्त अपडेट है। बताओ तो मेरे ताओ जी, अगर सबसे पहले अगर बात करें आज रात की मध्य रात्रि अपडेट टुनाइट अपडेट की, तो कल सुबह 4 बजे गेम के अंदर ऐसा रिंगी इवेंट आएगा। सेम टू सेम ऐसा रिंगी इवेंट आएगा, जिसके अंदर पॉसिबल हुआ तो आप लोग यूनिवर्सल टोकन का भी यूज कर पाओगे। बाकी आप लोग बंडल को टोकन से एक्सचेंज वगैरह कर सकते हो। बंडल को निकालने के बाद यहाँ पे आप लोग टेलर वाले सेक्शन के अंदर जाके इसका अपग्रेडेबल बंडल 300 डायमंड स्पेंड करके निकाल पाओगे। हालांकि जो टेलर सेक्शन है वो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए फ्री रिमूव हो जाएगा, तो अपग्रेड कर लेना। ब्लू लोक इवेंट के स्पेशली एक वीकली शेड्यूल को लॉन्च करा दिया है, जिसके अंदर बताया गया है कि 26 तारीख को अपन सभी को 2 फ्री में अवतार्स क्लेम करने को मिलेंगे। 26 नवंबर को ही ब्लू लोक कोलैबोरेशन इवेंट का एक फेडल विली इवेंट आएगा। ऑलरेडी बता चुका हूँ लेकिन फिर भी वापस से कवर कर ले, तो इसके अंदर रहेगा एक बंडल जो की फेडल विली इवेंट के अंदर आने वाला है। 29 नवंबर को एक और रिंगी इवेंट आएगा, ऑफिशियली बैनर देख लो। रिंगी इवेंट आपको सेम टू सेम ऐसा दिखने को मिलेगा, ग्रैंड प्राइज होगा नागी बंडल, इसे भी आप लोग टोकन से एक्सचेंज कर पाओगे। ये भी आपको टेलर के अंदर मिल जाएगा। अपग्रेड करने के लिए 300 डायमंड को स्पेंड करो और इसका अपग्रेडेबल बंडल आप लोग क्लेम कर पाओगे। 30 नवंबर को सर्वाइव टू विन नाम का एक इवेंट आएगा। कम्प्लीट करने के बदले में आपको ब्लू लोक कोलैबोरेशन इवेंट की बाइक की स्किन क्लेम करने को मिल जाएगी। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया है। फ्लाइंग स्लीपर वाली क्नाइफ की स्किन, एक चप्पल वाली क्नाइफ की स्किन ऑलरेडी स्टोर के अंदर उपलब्ध है, लेकिन आफ्टर पैच अपडेट के बाद भाई यहाँ पे देखो एक और मस्त सी न्यू क्नाइफ की स्किन ऐड करी जाएगी। मेरे ख्याल से कोई डस्टर वगैरह लगता है, क्या लगता है आपको? ये स्कूल में ब्लैक बोर्ड को साफ करने के लिए जो डस्टर यूज होता है ना, मेरे को ये लग रहा है, ठीक है? मतलब कि भाई घर नगर मालिक का चावली भाई फनी चीजें क्रिएट करने में भाई सबसे नंबर 1 टॉप पे है। नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। वेल, सबको पता चली गया है कि पुष्पा 2 कोलैबोरेशन इवेंट के अंदर एक बंडल, एक इमोट, एक मोस्टर ट्रिक की स्किन, वॉल की स्किन और एक ब्लेड की स्किन है। लेकिन कुछ रिवॉर्ड्स को लेकर वे भी इवेंट आएगा, जिसके कुछ आइकन्स वगैरह मिले हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो वे भी इवेंट के 2 हमें टाइटल्स वगैरह मिले है। वे भी इवेंट के अंदर यूज करे जाने वाला एक ब्लेड की स्किन का PNG अब इसका यूज होकर वे भी इवेंट मिलेगा, और कम्प्लीट करने के बदले में अपने को पुष्पा 2 कोलैबोरेशन की ब्लेड स्किन क्लेम करने को मिलने वाली है। ब्लड की स्किन काफी मस्त है। इसके बाद एक और PNG मिला है मॉन्स्टर ट्रक का, जो कि इस वाला का आइकन का यूज होकर कुछ इस तरह का वेब इवेंट क्रिएट होगा। कंप्लीट करने के बदले में अपने को मॉन्स्टर ट्रक की स्किन क्लेम करने को मिलेगी। आगे पुष्पा राज लिखा हुआ है और पीछे फ्लायर है मैं भाई, मतलब कि कुछ गजब का यहाँ पे लिखा गया है। मॉन्स्टर ट्रक और ब्लड की स्किन को लेकर वे भी इवेंट दिया जाएगा, कंप्लीट करो और उसके बदले में दोनों रिवॉर्ड्स क्लेम कर लो। बंडल का प्रॉपर रिव्यू निकल के नहीं आया है और ये आएगा एक रिंगी इवेंट में, और फ्री की उम्मीद मत रखना। इमोट आ जाएगा एक फेडल विली इवेंट के अंदर। ये और एक मस्त सा इमोट तो है ही, लेकिन ये एक फ्रीजी इमोट है। आप लोग यहाँ पे आइकन देख लो। अक्सर देखा गया है कि इंडिया के स्पेशल क्लब्स वगैरह होते हैं, वो उनके रिवॉर्ड ज्यादातर फेडल विल में आते हैं, लेकिन फिर भी ऑफिशियली कंफर्म होने पर बता दूंगा, लेकिन अभी अपडेट से कि फेडल विल में आ जाएगा। वैसे भाई लोगों मानना पड़ेगा, ठीक है, इमोट काफी बढ़िया है, हमें कतई झुकेगा नए साल, लेकिन अगर फ्री में दिया जाता तो अच्छा लगता, लेकिन फ्री की उम्मीद रखना बेकार है। एक वॉल की स्किन आपको क्लेम करने को मिलेगी, लेकिन ये आएगी एक रोली इवेंट में। वॉल की स्किन का डिजाइन वगैरह काफी मस्त है, इसके ऊपर पुष्पा लिखा हुआ है। अल्लू अर्जुन के जो फैन है उन्हें तो वाइक काफी बढ़िया लगने वाली है। 4 दिसंबर को 47 का अपडेट आते ही इसका इवेंट गेम के अंदर स्टार्ट कर दिया जाएगा। ओके ओके, थैंक यू। एक भाई ने पूछा है फ्री में फिस्ट स्किन और स्कार्फ कब मिलेगा।
आएंगे। तो देखो बेल को फ्री में फिस्ट स्किन और स्कार्फ की स्किन मिलने का आप लोग जरा सा भी उम्मीद वगैरह मत रखो, क्योंकि तुम्हें पता है कि गरना इस तरह की चीजें को अपने को कभी भी फ्री में लाके नहीं देने वाला। लेकिन फिर भी नेक्स्ट विंटरलैंड इवेंट या फिर नारुतो कोलैबोरेशन इवेंट के अंदर इस तरह के कोई भी रिवॉर्ड्स फ्री के मिलने वाले होंगे तो मेक श्योर मैं आपको बताऊंगा। वेल भाई लोग अब अपन लोग बात करते हैं आपके पसंदीदा आइटम अपने क्रिमिनल बंडल रिटर्न इवेंट को लेकर। तो देखो अपन सभी को उम्मीद थी, हालांकि अपडेट्स भी निकल के आई थी कि दिवाली टाइम के अंदर ये वापस आ जाएगा, लेकिन वो साला हरामी मिस्टिकल उरा बंडल बीच में आके टकपक पड़ा, इसलिए वजह से अपना क्रिमिनल बंडल इवेंट को डिले करा गया। अब अपडेट्स निकल के आई के नवम्बर महीने के एंड तक देखने को मिल जाएगा। वेल अब तो ये अपना नवम्बर महीना भी एंड होने को है, लेकिन अभी तक इसको लेकर गेम की फाइल के अंदर कोई भी इसका ऑफिशियली बैनर ऐड करा गया नहीं है। ओ भैया धोखा। अब अपने जो क्रिमिनल बंडल से इनको लेकर मेरे पास बस दो ही अपडेट्स वगैरह बची है कि 25 से लेकर 30 नवंबर के बीच में आप लोग वेट कर लेजो, उस टाइम पे इसको लेकर इवेंट आ जाएगा। अदरवाइज 25 से लेकर 30 नवंबर के बीच में अगर इनकेस अपने जो क्रिमिनल बंडल से इनको लेकर इवेंट नहीं आता तो आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट पेज अपडेट 4 दिसंबर के बाद, ये गेम में आ जाएगी अपने इवेंट के स्पेशल। देखो मुझे पता है ठीक है कि आप सभी लोग बोलोगे कि फेक बाय डेट तो आगे जाती रहती है ठीक है, लेकिन इवेंट वगैरह कंफर्म नहीं हो रहा है। तो देखो मेरे पास जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह आते हैं बस वही मैं आपको देता हूँ। सो आने वाले 25 से लेकर 30 नवंबर का वेट कर लीजिए, आने वाला होगा तो आ जाएगा, अदरवाइज आपको नेक्स्ट अपने पेच अपडेट के अंदर विंटरलैंड इवेंट का टाइम नेक्स्ट दिसंबर महीने के अंदर देखने को मिल जाएगा। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे। हालांकि OB-47 अपडेट के अंदर एड करे जाने वाली दो मस्त सी गन स्किन आपको देखना चाहिए, क्योंकि पर्सनली मेरे को ये बहुत बढ़िया लगी है। जैसे कि एक विंटरलैंड इवेंट के स्पेशल आने वाली एक मस्त सी ओग की गन स्किन, जिसके अंदर आपको बहुत ही खतरनाक वाला तगड़ा सा एनिमेशन के साथ में तगड़ा सा लुक वगैरह मिल जाता है। गन स्किन के अंदर गरना ने काफी खर्चा वगैरह करा है, एनिमेशन वगैरह कते खतरनाक डाले है ठीक है, तो इसके जो एट्रीब्यूट्स वगैरह हो गया वो भी कते खतरनाक वगैरह ही होने वाले। ये अपने नेक्स्ट महीने ही विंटरलैंड इवेंट के स्पेशल आपको रिंग इवेंट के अंदर दिए जाने वाले, अगर एट्रीब्यूट्स वगैरह अच्छे हो गए तो परचेस कर लेना। इसके बाद यहाँ पे ऐड करी जाने वाले है एक ग्रीन कोबरा की वेक्टर की स्किन। अब यार इसका जो लुक है ना भाई, मेरे को बहुत ही खतरनाक और भयंकर लगा है, किंतु परंतु अस्तु नमस्तु मैं डिसअपॉइंटेड इसलिए हूँ क्योंकि मैं तो वेक्टर गन को चलाता ही नहीं हूँ। अगर यह MP40 की स्किन होती, UMP की स्किन होती तो भाई मैं परचेस मस्ट परचेस करता इसे। मैंने कुछ दिनों से एक चीज को नोटिस करा है कि आप सभी के तरफ से अपने बनी बंडल्स इवेंट को लेकर काफी सारे कमेंट्स आना स्टार्ट हो गए हैं। वेल भाई लोग अगर बात करें कि नेक्स्ट बनी बंडल को लेकर कौन सा इवेंट होगा और कब देखने को मिलेगा, तो अब अपने को नेक्स्ट बनी बंडल को लेकर इवेंट देखने को मिलेगा येलो बनी और अपना कुछ पर्पल जैसा बनी बंडल है ना उसको लेकर। OB-46 अपडेट के अंदर इसी अपडेट के अंदर अपने को रेड बनी आ जाएगा, ऐसा इसलिए पता चला था क्योंकि एडवांस सर्वर के अंदर रेड बनी बंडल को लेकर आइटम्स वगैरह ऐड करी गई थी। लेकिन इस बार के OB-47 अपडेट का जो एडवांस सर्वर है उसके अंदर अपना येलो बनी और जो अपना पर्पल जैसा बनी बंडल से इन दोनों को लेकर कोई भी आइटम्स वगैरह ऐड करी गई नहीं है। तो अब ऐसा हो सकता है कि भाई दोनों ही बनी को एक रिंग इवेंट के अंदर लाके दे दे। और काफी लोगों का क्वेश्चन वगैरह ये भी होता है कि फेक भाई अपना फर्स्ट जो नॉर्मल बनी है वो कब देखने को मिलेगा, तो वो जो अपना फर्स्ट बनी है या अपना येलो और अपना जो पर्पल जैसा बनी है आने के बाद इसको लेकर इवेंट देखने को मिलेगा यूके, तो आपको काफी अभी ओबी अपडेट आने का वेट करना पड़ेगा। फिलहाल आपको नेक्स्ट अपने OB-47 अपडेट के अंदर अपना येलो बनी और पर्पल बनी दोनों या फिर इन दोनों के अंदर से एक बनी को लेकर रिंग इवेंट आपको नेक्स्ट अपने पेच अपडेट के अंदर देखने को मिल जाएगा। ओके हाँ, तो भाई लोग अब अपन लोग बात करते हैं स्टोर अपडेट की। तो देखो स्टोर अपडेट आने वाले 4 दिसंबर को OB-47 अपडेट के स्पेशल होगा, जिनमें से मैं आपको जो बंडल शो करूंगा उनमें से काफी सारे बंडल स्टोर के अंदर एड करे जाएंगे। स्कल पंकर बंडल जो कि आप लोग देखो ये एक काफी मस्त सा बंडल है, हालांकि इसका जो हेयर स्टाइल है कुछ छपरी जैसा यूजफुल तो है नहीं, लेकिन इस बंडल का जो टॉप और पैंट वगैरह वो काफी यूजफुल है। आफ्टर पेच अपडेट के बाद इस वाले बंडल को स्टोर के अंदर एड करा जाएगा, काफी मस्त बंडल है। कैंडी बोनी बंडल आप चेक कर सकते हो, इस वाले फीमेल का मेल बंडल ऑलरेडी अपने स्टोर के अंदर उपलब्ध है, लेकिन आफ्टर पेच अपडेट के बाद उसका फीमेल बंडल ये वाला बंडल एड करा जाने वाला है। लड़के
लड़कियों के लिए ये वाला बंडल काफी काम का है। ड्रैगन मास्टर बंडल जो कि आपको पूरा एक व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन के अंदर मिल जाता है और इसके पीछे बैक साइड में थोड़ा बहुत आपको ड्रैगन वाला एनिमेशन वगैरह भी मिल जाता है। ठीक ठाक सा आपको बंडल क्लेम करने को मिलेगा। बाकी इसका जो टॉप वगैरह है वो यूजफुल करने लायक है, पूरा बंडल का कोई काम नहीं रहेगा। मैं आपको कन्फर्म तो नहीं बोलूंगा लेकिन एक्सक्लूसिव सावल बंडल जो कि भाई मैक्सिमम हर सर्वर के अंदर इस स्टोर के अंदर एड करा गया है, तो कन्फर्म तो नहीं बोलूंगा लेकिन पॉसिबल रहेगा कि आफ्टर पैच अपडेट के बाद हाई डायमंड के प्राइस में इसे भी अपने इंडिया में स्टोर के अंदर उपलब्ध करा जाएगा। और बंडल की चोटली भाई कहते हीलिंग डुलिंग करते रहते भाई, मजा आता है। ठीक है भाई, चोटली कहते मस्त लगे मुझे। फिर फ्लैश बंडल जो कि ऑलरेडी इंडिया के अंदर रिंग इवेंट के अंदर आ चुका है और अक्सर ऐसा देखा गया है कि कुछ टाइम बाद जो रिंग इवेंट के बंडल्स आते हैं वो अपने कुछ स्टोर के अंदर एड कर दिया जाते हैं। सो आफ्टर पैच अपडेट के बाद इसे भी अपने स्टोर के अंदर एड करा जा सकते है। और जो अपना स्ट्रीट ठग बंडल है आपको पता होगा ये भी इंडिया के अंदर ऑलरेडी एक बार गेम में आ गया है। पहले काफी रेयर हुआ करता था लेकिन रिंग इवेंट के अंदर आने के बाद कुछ खास नहीं है, तो पॉसिबल रहेगा कि इसे भी आफ्टर पैच अपडेट के बाद अपने स्टोर के अंदर एड कर दिया जाएगा। हैवी वेट चैंपियन बंडल जो कि भाई यूजफुल करना तो बिल्कुल भी लायक नहीं है लेकिन टाइम पास के लिए या फिर फनी पर्पस के लिए आप लोग इनका यूज कर सकते हो। बाकी इसके अंदर आपको मिलती है एक बॉडी जो कि भाई बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है, बॉटम में शूज है और एक हेलमेट की स्किन है, इसे एड करा जाने वाला है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है वाइल्डनेस हंटर बंडल जो कि भाई बहुत टाइम पहले अपने कोस्टर के अंदर हुआ करता था, कभी कभी कोई डिस्काउंट इवेंट के अंदर आता था लेकिन एक टाइम के बाद अचानक आना बंद हो गया। सो ये भी अपने गेम के अंदर स्टोर के अंदर एड करा जाएगा। हालांकि इसका जो टॉप वगैरह है वो काफी मस्त है, इसका हेलमेट वगैरह भी आप यूज कर सकते हो फनी पर्पस के लिए। वॉरियर ऑफ द वास्प बंडल जो कि आप लोग चेक करो, ये भी अपने इंडिया के अंदर बहुत टाइम पहले एक रिंग इवेंट के अंदर आ गया है और जिस भी स्टोर के अंदर इसे रिंग इवेंट के अंदर दिया गया है उन सारे स्टोर के अंदर इस स्टोर के अंदर अब एड कर दिया गया है। साथ ही में आपको क्लेम करने को मिल जाएगा इसका फीमेल वाला बंडल। अगर स्टोर के अंदर एड करा जाता है तो आपको ये काफी हाई डायमंड के प्राइस में मिलेगा। डेनिम बीट बंडल और इसका फीमेल वाला बंडल अब तक गेम के अंदर नहीं आया है जबकि ये एक ओल्ड ओबी अपडेट का बंडल है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि भाई कोई भी नया रिवॉर्ड्स गेम के अंदर इवेंट के अंदर लाके नहीं दिया जाता, फिर वो कुछ वक्त के बाद डायरेक्ट गर्न का मालिक चाउन स्टोर के अंदर एड करके दे देता है। पिंक गार्डियन बंडल जो कि भाई आधा नर बंडल आधा नारी बंडल, हालांकि इसकी चोटली भाई ठीक है चोटली कहते हीलिंग डुलिंग करती रहती है। रिवर्स स्कैटर बंडल जो कि एक बहुत ही पुराने ओबी अपडेट का बंडल है, ये अपने गेम के अंदर ऑलरेडी एक बार रिंग इवेंट के अंदर हमें दिया गया था, काफी अच्छा बंडल है जो अपना इसका टॉप वगैरह इसके अंदर थोड़ा बहुत एनिमेशन भी है। ज्यादातर इस तरह के बंडल से अपने स्टोर के अंदर एड करे जाते हैं। रोरिंग हार्ट बंडल जो कि लूनार फेस्टिवल का जो कि बाहर के सर्वर का फेस्टिवल है उसका स्पेशल है लेकिन अब अपने गेम के अंदर इसे डायरेक्ट स्टोर के अंदर एड करा जाएगा। फिर इसके अंदर आपको मिल जाता है एक मंकी वाला बंडल जो कि भाई फ्री फायर का काफी पुराना बंडल से बहुत ही कम इवेंट के अंदर गरने गेम के अंदर इसे इंट्रोड्यूस किया है। बास रॉक वाला बंडल जो कि अपने स्कूट बीट्स इवेंट के जैसा आपको देखने को मिलता है, ये भी काफी अच्छा खासा बंडल्स वगैरह है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है कुछ अपने एक मिनिमलिस्ट बंडल जिसके अंदर आपको मिल जाता है स्पेशल ट्रिगर इफेक्ट वगैरह पे, आई मीन एलिमिनेशन इफेक्ट या फिर नॉकडाउन इफेक्ट इसके अंदर रखी जाने वाली है। एक डॉक्टर वाला मस्त सा बंडल है, खास करके इस वाले का टॉप काफी बढ़िया है। तो इन्हीं सारे बंडल के अंदर से आपको काफी सारे बंडल्स अपने इस बार के नेक्स्ट पैच अपडेट के अंदर एड करे जाने वाले है। बंडल के साथ में आपको कुछ कुछ नॉर्मल से बंडल्स वगैरह ठीक है, लाइक एक फीमेल का बंडल नॉर्मल सा और लाइक एक नॉर्मल सा मेल बंडल आपको गोल्ड से भी क्लेम करने को मिल जाएगा। यहाँ तक कि धीरे धीरे करके हर सर्वर के अंदर गरना गोल्ड को लेकर काफी सारे स्टोर के अंदर इवेंट्स लाते हैं जिनमें से आपको आफ्टर पैच अपडेट के बाद एक दो नॉर्मल से इवेंट्स वगैरह भी गोल्ड से परचेस करने को मिल जाएंगे। अपना नेक्स्ट पैच अपडेट विंटरलैंड इवेंट के थीम पे सेट है और नारुतो के थीम पे, तो कुछ स्कार्फ की स्किन को अपने गेम के अंदर स्टोर में विंटरलैंड इवेंट की कुछ पुराने स्कार्फ की स्किन या फिर और भी किसी इवेंट की स्कार्फ की स्किन को एड करा जाएगा। देखो स्कार्फ की स्किन भाई ऑलरेडी सारे सर्वर के अंदर मौजूद है और वो भी सिर्फ 300 डायमंड के अंदर और कुछ कुछ सर्वर के अंदर तो आप लोग स्टोर से ठीक है भाई गोल्ड से भी स्कार्फ की स्किन को परचेस कर सकते हो। इंडिया में स्टोर के अंदर गोल्ड से स्कार्फ की स्किन तो नहीं ले पाओगे लेकिन डायमंड से आप लोग जरूर से ले पाओगे क्योंकि कुछ कुछ स्कार्फ की स्किन एड करी जाएगी। बाकी भाई लोग अपना जो फेस पेंट का सेक्शन है उसे भी अपडेट करके इसके अंदर आपको दो तीन चार अच्छे खासे फेस पेंट की स्किन देखने को मिल जाएगा, लाइक अपने लाइटनिंग फेस पेंट की स्किन, सोनिक का आई फेस पेंट की स्किन, ऐसे फेस पेंट की स्किन जो कि अपने को ऑलरेडी किसी न किसी इवेंट के अंदर से मिल चुकी होगी, या तो फ्री होगी या फिर वो डायमंड वाली लेकिन वही अपने को दी जाने वाली है। बाकी अगर आप लोगों को नारुतो इवेंट का ईवो बंडल और विंटरलैंड इवेंट का ईवो बंडल कब आएगा, कितने डायमंड लगेगी, कौन से इवेंट आएगा, फुल डिटेल में जानना
करना है लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करो। नेक्स्ट इवो वर्ल्ड इवेंट में कौन सी इवो गन आएगी जानना है राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करो।